बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 3.3। एक्सरसाइज 3.3 के अभी तक हम दो लेक्चर्स कर चुके हैं, ठीक है। दो लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कवर कर लिए, ठीक है। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 7 तक आपने ठीक तरह से समझ लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 प्रूव दैट है या शो दैट है, यानी कि एक इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है, जिसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, तो हमने उसको प्रूव करना, यानी कि एक फंक्शन की इंटीग्रेशन किसके इक्वल है वो हमने प्रूव करना। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ, आपको समझ आ ही जाएगी। शो दैट इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट और प्लस सी, ठीक है। मतलब कि हमने प्रूव करना है कि इसका इंटीग्रल यानी कि 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है, इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू अगर एक्स फाइंड किया जाए तो ये इसके इक्वल आता है। किसके इक्वल? नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो हम कैसे प्रूव करते हैं किसी भी इक्वेशन को, कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं फिर उसको या तो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करते हैं, या फिर राइट हैंड साइड लेते हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करते हैं। तो हम इस क्वेश्चन में ऐसा करते हैं कि लेफ्ट साइड अगर आप देखें तो उसमें हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है और उसका इंटीग्रल हमने फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कि इसकी इक्वल आना चाहिए। चलें हम लेफ्ट हैंड साइड से ही प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड है क्या, 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट और उसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आपको याद हो तो हमने ऐसा एक फंक्शन देखा था जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट हो, तो उसमें हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया करते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन के टॉपिक में को अगर आपने सही तरह से पढ़ा होगा या देखा होगा तो आपको याद होगा कि क्या सब्स्टिट्यूशन हम वहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो सब्स्टिट्यूशन है एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट ऑफ थीटा, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन हमने यहाँ पर यूज़ करनी है, लेट एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट ऑफ थीटा। अब यहाँ पर एक्स की जगह तो चले सीकेंट ऑफ थीटा आ जाए, ए सीकेंट ऑफ थीटा आ जाएगा, और ए अगर यहाँ पर ए की जगह कोई और वैल्यू होती तो यहाँ पर हम ए की जगह वही वैल्यू लिखते जो यहाँ पर फंक्शन में मौजूद होती। लेकिन यहाँ पर जनरल ही हमें फंक्शन गिवन है जिसमें ए की जगह कोई यानी कि स्पेसिफिक वैल्यू नहीं गिवन, ए कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, तो हम यहाँ पर भी ए ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलें आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट ऑफ थीटा, अब मैं पुट करने लगा हूँ एक्स की जगह ए सीकेंट ऑफ थीटा। चलें पुट करते हैं ए सीकेंट ऑफ थीटा, उसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक्स का यहाँ पर स्क्वायर है, माइनस ए स्क्वायर, और मैं यहाँ पर भी ए स्क्वायर लिख देता हूँ, उसके बाद स्क्वायर रूट है तो मैंने भी यहाँ पर स्क्वायर रूट लिख दिया, और इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। लेकिन अब यहाँ पर आप देखें तो फंक्शन जो है थीटा का है, ठीक है। पहले तो चले एक्स का फंक्शन था ना, उसमें एक्स आ रहा था वेरिएबल, तो हमने उसको इंटीग्रेट करना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही। लेकिन अब यहाँ पर फंक्शन चेंज हो चुका है, थीटा में कन्वर्ट हो चुका है, तो हमें अब इसको इंटीग्रेट करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, कैसे हम डी एक्स को रिप्लेस करेंगे डी थीटा से, जो हमने सब्स्टिट्यूशन की है उसी का हम डिफरेंशियल फाइंड करेंगे, ठीक है। तो दोनों साइड्स पे डिफरेंशियल फाइंड करते हैं, एक्स का डी एक्स आ जाएगा, ए कांस्टेंट है ये तो बाहर आ जाएगा, और सीकेंट थीटा का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा, ठीक है, और साथ में डी थीटा। तो ये हो गया इसका डिफरेंशियल। अब हम ऐसा करते हैं कि यानी कि एक्स डी एक्स की जगह अब हम लिख सकते हैं ए सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा, यानी कि थीटा में अब कन्वर्ट हो चुका, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब लिखने लगा हूँ डी एक्स यहाँ पर मौजूद था, ठीक है, इसकी जगह आ जाएगा ए सीकेंट ऑफ थीटा टेंजेंट ऑफ थीटा इंटू डी थीटा, ये वन यहाँ पर मौजूद था, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको सॉल्व करना है,
सॉल्व कैसे करेंगे, न्यूमरेटर में तो चलेंगे ही आ जाएगा वन के साथ मल्टीप्लाई होके कि ए सीकेंट ऑफ थीटा टेंजेंट ऑफ थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, इसका स्क्वेयर है, चले स्क्वेयर ले लेते हैं, ए स्क्वेयर सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस ए स्क्वेयर और उसका स्क्वेयर रूट, ठीक है, और इसका हमने इंटीग्रल साइन भी साथ में लिख दिया। अब क्या करना है कि डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो ए स्क्वेयर दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है तो वो हम कॉमन ले लेंगे, ए सीकेंट थीटा न्यूमरेटर उसी तरह से आ जाएगा टेंजेंट थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर कॉमन सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस वन जो है वो बाकी बच जाएगा ब्रैकेट्स में और ये इंटीग्रल साइन साथ में। ये आ जाएगा ए सीकेंट ऑफ थीटा टेंजेंट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर। अगर आपको एक आइडेंटिटी याद हो तो सीकेंट स्क्वेयर थीटा किस माइनस वन किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वेयर थीटा इक्वल होता है वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा के, ठीक है, ये आइडेंटिटी है। यहाँ से हम सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस वन फाइंड कर सकते हैं, सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू होगा टेंजेंट स्क्वेयर थीटा, ठीक है, तो हम यहाँ पर यानी कि सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस वन की जगह लिख सकते हैं टेंजेंट स्क्वेयर ऑफ थीटा और उसके ऊपर ऑलरेडी स्क्वेयर रूट मौजूद है तो वो भी साथ में आ जाएगा और यहाँ पर डी थीटा मौजूद है और उसके साथ उसका इंटीग्रल का साइन भी मौजूद है। अच्छा, अब हमने इसको मजीद सॉल्व करना है, न्यूमरेटर उसी तरह से ए सीकेंट ऑफ थीटा टेंजेंट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय ये स्क्वेयर इस स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और टेंजेंट के ऊपर जो स्क्वेयर है वो भी स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास टर्म्स क्या बचेंगी, ए टेंजेंट ऑफ थीटा ये डी थीटा और उसका ये इंटीग्रल। अच्छा, अब हमने इसको कैंसिल आउट करना है, जो टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, यानी कि ये टेंजेंट थीटा इस टेंजेंट थीटा से कैंसिल हो जाएगा, ये ए इस ए से कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी हमारे पास टर्म्स जो बचेंगी वो क्या है, सीकेंट ऑफ थीटा का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू थीटा। और यहाँ पर हमने इंटीग्रल अब फाइंड करना है सीकेंट ऑफ थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो अगर आपको याद हो सीकेंट ऑफ थीटा का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है, वो इक्वल होता है नेचर लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सी। अगर ये नहीं भी याद तो हम फाइंड भी कर सकते हैं, चले हम फाइंड करते हैं। फाइंड कैसे करेंगे, सीकेंट ऑफ थीटा को आपने मल्टीप्लाई करना है सीकेंट ऑफ थीटा प्लस वन प्लस टेंजेंट थीटा से और डिवाइड भी करना है सीकेंट ऑफ थीटा प्लस टेंजेंट थीटा से, ठीक है, तो साथ में डी थीटा तो यही वाला आ जाएगा। अब हम ये करेंगे कि न्यूमरेटर को यानी कि टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये बचेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय, यानी कि मैंने क्या किया यहाँ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा को मल्टीप्लाई भी किया है सीकेंट थीटा से और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है, तो इससे एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरह से डिवाइड किया। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, यानी कि हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये अब देखते हैं। सीकेंट ऑफ थीटा प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है, अब यहाँ से आप देखें कि अगर नीचे वाला जो फंक्शन है सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा उसको आप अगर फंक्शन कंसिडर करें और ऊपर आप देखें तो इसका वो डेरिवेटिव बना हुआ है, मतलब सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, अगर डेरिवेटिव फाइंड किया जाए थीटा के रिस्पेक्ट से सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा का तो किसके इक्वल आएगा, सीकेंट थीटा का इक्वल आ जाएगा जी सीकेंट थीटा टेन थीटा, ठीक है, ये तो आपको याद होगा, और टेन थीटा का क्या होता है सीकेंट स्क्वेयर थीटा, तो आप न्यूमरेटर में चले इसको मैं रीअरेंज भी कर देता हूँ, ठीक है, सीकेंट स्क्वेयर थीटा पहले लिख देता हूँ, सीकेंट स्क्वेयर थीटा प्लस ये वाली टर्म बाद में लिख देता हूँ सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा, तो ये क्या न्यूमरेटर वही टर्म नहीं और किसका डेरिवेटिव लिया है डिनोमिनेटर का, यानी कि फंक्शन नीचे मौजूद है डिनोमिनेटर में फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, ठीक है, उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, चलिए यहाँ पर हम थीटा ही लिख देते हैं, ठीक है,
तो ये बनेगा। उसके बाद इसका फिर हमने थ्योरम पढ़ा था कि इसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल होती है, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन इसके इक्वल होती है। मतलब कि यहाँ से फंक्शन अब हमारे पास क्या है, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, तो हम यहाँ से इसकी इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। यहाँ से ये इंटीग्रेशन बनती है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सी। अच्छा अब ये क्या इंटीग्रेशन तो अब हमने फाइंड कर ली, क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुके, राइट हैंड साइड के ये तो एक्स की फॉर्म में, हमारे पास अभी तक थीटा की फॉर्म में रिजल्ट आया, चले हम इसको एक्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक्स में कैसे कन्वर्ट होगा, ये नेचुरल लॉग तो चले इस तरह से आ गया, उसके बाद सीकेंट थीटा, अब हम सब्सटीट्यूशन पे जाते हैं, हमने सब्सटीट्यूशन जो की थी उसकी मदद से अब हम इसको दोबारा से एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा, अगर हमें सीकेंट थीटा चाहिए हो तो किसके इक्वल आएगा, सीकेंट थीटा यहाँ से इक्वल आ जाएगा एक्स बाय ए के इक्वल, तो हम यहाँ से पुट कर देते हैं सीकेंट थीटा को एक्स बाय ए प्लस टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा यहाँ से किस तरह से बना, यहाँ से तो अभी डायरेक्टली नहीं बन सकता, ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं कि टेंजेंट थीटा आइडेंटिटी से ही बनाते हैं, आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, यहाँ पे मैं अलग से लिखता हूँ, आइडेंटिटीज वन प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा, ठीक है, और यहाँ से टेंजेंट स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, टेंजेंट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस वन, और हमें तो चाहिए टेंजेंट थीटा क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट थीटा है, ठीक है, तो हम दोनों साइड्स पे स्क्वेयर रूट ले लेते हैं, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू दोनों साइड पे अगर स्क्वेयर रूट लिया जाए तो इसका तो स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी बचेगा सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस वन का स्क्वेयर रूट, तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस वन का स्क्वेयर रूट, ठीक है, और प्लस सी सी वन हम इसे कह देते हैं। अच्छा अब क्या है कि बाकी टर्म्स तो उसी तरह से आ जाएंगे, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर ए प्लस, अब सीकेंट हमें पता है किसके इक्वल है, अगर आप इसको सीकेंट स्क्वेयर को लिखें ना कि ये सीकेंट का स्क्वेयर है, ठीक है, मतलब कि इस तरह से लिखे सीकेंट ऑफ थीटा का स्क्वेयर माइनस वन, ठीक है, तो सीकेंट थीटा की वैल्यू तो हमें पता है, कहाँ से पता है, क्योंकि हमने यहाँ पर भी पुट किया सीकेंट थीटा की जगह एक्स ओवर ए पुट किया, तो यहाँ पर बन जाएगा एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर माइनस वन का स्क्वेयर प्लस सी वन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको मजीद सॉल्व भी कर सकते हैं कि इसका एलसीएम अगर ले लिया जाए, इसका एलसीएम क्या आएगा, ए स्क्वेयर एलसीएम आएगा और न्यूमरेटर में फिर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट बन जाएगा, ठीक है, तो इस तरह यानी कि होल स्क्वेयर रूट बनता है, तो हम इसको इस तरह से होल स्क्वेयर रूट लिख सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा ए स्क्वेयर डिनोमिनेटर में मौजूद है तो उसका तो स्क्वेयर रूट हम कैंसिल कर सकते हैं, मतलब कि ये ए बन जाएगा, तो प्लस एक्स ओवर ए, ठीक है, और उसके साथ नेचुरल लॉग बाकी टर्म्स में उसी तरह से लिखते हैं सी वन। अब हमारा फंक्शन एक्स में, एक्स के फंक्शन में यानी कि कन्वर्ट हो चुका है, अब हम देखते हैं क्या ये इसके इक्वल है जो हमने प्रूव करना था, यहाँ पर डिवाइडेड बाय ए नहीं है, यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय ए नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें इसको मजीद किसी तरह से सॉल्व करते हैं, ये आ गया नेचुरल लॉग इसका, इन दोनों का हम यानी कि एलसीएम लें तो ये बनता है ए ही बनता है, तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट प्लस सी वन। अच्छा नेचुरल लॉग की अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो, आपने पढ़ी होगी पहले, ठीक है, नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूँ कि नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स जी ऑफ डिवाइडेड बाई जी ऑफ, यानी कि दो फंक्शन का यानी कि आप उसमें डिवाइड हो रहे हो और उसका नेचुरल लॉग हो, तो आप उसको लिख सकते हैं किसके इक्वल, इक्वल लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं तो ये प्रॉपर्टी अब हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं, मतलब कि एक फंक्शन कौन सा है फिर यहाँ पर, एक फंक्शन है जी x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट और दूसरा फंक्शन a है, तो हम यहाँ से लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ठीक है, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a
और आगे है सी, ठीक है। तो ये हो गया नेचर लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस। अब यहाँ से देखें नेचर लॉग ऑफ ए, ए क्या चीज़ है, ए मैथ्स में कांस्टेंट को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो ए कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट का नेचुरल लॉग अगर फाइंड किया जाए तो कोई कांस्टेंट वैल्यू भी आती है। उसके अलावा सी वन क्या है, सी वन भी कांस्टेंट है। तो दो कांस्टेंट्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो रिजल्ट कांस्टेंट ही आएगा, मतलब कि कोई ना कोई कांस्टेंट ही आएगा ना। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं प्लस सी, मतलब कि अगर आप कह लें कि सी वन माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू सी है तो ये हमारे पास रिजल्ट आता है, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस सी वन, तो ये इक्वल है हमारी राइट हैंड साइड के, मतलब कि हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल यहाँ पर इस तरह से प्रूव कर दिए। तो इसी तरह से इसका पार्ट बी है, पार्ट बी भी थोड़ा देख लेते हैं। पार्ट बी पर आते हैं, पार्ट बी है जी, इसमें हमें प्रूव करना है, शो करना है, शो दैट इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट विद रेस्पेक्ट टू, यानी कि इसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इक्वल आना चाहिए ए स्क्वायर बाय टू इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए प्लस एक्स बाय टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी, इसके इक्वल आना चाहिए। तो चलें हम किस तरह से इसको प्रूव करते हैं, जिस तरह से इसका पार्ट ए किया क्वेश्चन नंबर एट का, तो ये अभी तक क्वेश्चन नंबर एट ही चल रहा है, क्वेश्चन नंबर एट का अब ये पार्ट बी है, तो इसको हमने अब प्रूव करना है। यानी कि सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और इसका इंटीग्रेट करना है हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, अब इसको हमने पहले जब सब्सटीट्यूशन का टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने कहा था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट के अंदर हो, तो हमने कौन से सब्सटीट्यूशन यहाँ पर यूज़ किया करते हैं। सब्सटीट्यूशन होती है x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा, ठीक है, तो वही सब्सटीट्यूशन यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे। उसके अलावा डिफरेंशियल भी हम ले लेते हैं, डायरेक्टली डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू ए साइन का क्या होता है कॉस, ठीक है, कॉस थीटा इंटू डी थीटा बन जाएगा। चलिए अब यहाँ पर पुट कर देते हैं सब्सटीट्यूशन, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या है जी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर रूट भी हो गया, इसको अब डी एक्स आ रहा है, ठीक है, डी एक्स इक्वल आपके आ चुका है ए कॉस थीटा डी थीटा, तो ये भी पुट कर देते हैं ए कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा, अब इसको हमने करना है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करते हैं, ए स्क्वायर इसमें से कॉमन आ रहा है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है, साथ में मौजूद है ए कॉस ऑफ थीटा और डी थीटा। अब देखें ए स्क्वायर तो उस तरह से लिख दिया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी आइडेंटिटी से ही हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू वन होता है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉज ऑफ स्क्वायर थीटा के, ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू कॉज ऑफ स्क्वायर थीटा आ जाएगा, उसके ऊपर स्क्वायर रूट है और साथ में मौजूद है ए कॉज थीटा डी थीटा। अच्छा, ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा ए कॉज थीटा, साथ में मौजूद है ए कॉज थीटा डी थीटा, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा डी थीटा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। पहले तो हमने सब्स्टिट्यूट करने के बाद डायरेक्टली एक ऐसा आ चुका था कि हम उसको यानी कि इंटीग्रेट हमने कर लिया, ठीक है, सेकेंड थीटा आया था उसको हमने इंटीग्रेट कर लिया। अभी तक हमने कॉस का, कॉज ऑफ थीटा का या कॉज ऑफ एक्स का हमने यानी कि इंटीग्रल देखा है, साइन ऑफ एक्स के इक्वल आता है या साइन ऑफ थीटा के इक्वल आता है, लेकिन यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, चलें ये यहाँ पर इसका भी पता चल जाएगा। जब भी आपके पास कॉस स्क्वायर आ रहा हो तो आपने हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज करनी है, यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल होता है वन
प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइड होल डिवाइड बाय 2 के, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करनी है कॉस के लिए। चलें ये यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर रह जाएगा, ठीक है। और कॉस स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 साथ में डी थीटा। अब हम ऐसा करते हैं, 2 भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर लेके जाते हैं, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा और साथ में डी थीटा, ठीक है। अब इसको हम अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं, ए स्क्वायर बाय 2 और 1 डी थीटा प्लस ए स्क्वायर बाय 2 और कॉस ऑफ 2 थीटा डी थीटा। 1 का तो थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय 2 इंटू थीटा प्लस ए स्क्वायर बाय 2 और इसका क्या आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रल, कॉस का साइन होता है साइन ऑफ 2 थीटा और डिवाइडेड बाय एंगल का डेरिवेटिव यानी कि 2 प्लस सी कर दें इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से आएगी यहाँ से, तो x ओवर a का साइन इनवर्स लिया जाए तब आता है थीटा के इक्वल। चलें यहाँ पर जाके हम पुट करते हैं, थीटा इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a और सब बाहर मौजूद है ए स्क्वायर बाय 2, उसके अलावा ए स्क्वायर बाय ये 4 हो जाएगा और साइन ऑफ 2 थीटा। अब यहाँ से हम साइन ऑफ 2 थीटा की वैल्यू तो फाइंड कर नहीं सकते, ठीक है, ये तो साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा होता है चले एक्स ओवर ए हो जाता, लेकिन साइन ऑफ 2 थीटा अब यहाँ से नहीं आ रहा, तो हम ऐसा करते हैं साइन ऑफ 2 थीटा का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। साइन ऑफ 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के, ये आपने पहले पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सी और 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 वन ज़ा 2 एंड 2 टू ज़ा 4, तो बाकी टर्म्स क्या बने, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा और साइन थीटा की चले जगह हम वो उसकी वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। साइन थीटा यहाँ से अगर फाइंड करें अपनी सब्सटीट्यूशन से तो क्या आएगा, साइन थीटा यहाँ पर रहने एक्स ए यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा यानी कि एक्स ओवर ए इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पुट कर देते हैं एक्स ओवर ए, एक्स ओवर ए, अब कॉस थीटा की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं है, ठीक है, तो वो अभी मैं इसको इसी तरह से रहने देता हूँ प्लस सी। अब कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी, कॉस थीटा की वैल्यू अगर आप देखें हमारे पास जो आइडेंटिटी है वहीं से आएगी, ठीक है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा किसके इक्वल, दोनों साइड पे जो है वो आप ले लें स्क्वायर रूट ले लें, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप पुट कर दें, चलिए यहाँ पर मैं पुट करता हूँ, ये है ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस ए स्क्वायर बाय 2 एक्स ओवर ए, उसके अलावा कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू हमने देखी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट प्लस सी, उसके बाद ए स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स बाय ए 1 माइनस साइन साइंस का स्क्वायर, यानी कि साइन की वैल्यू तो हमारे पास है एक्स ओवर ए, ठीक है, यहाँ पर भी हमने पुट किया, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट और प्लस सी आ जाएगा। बाकी टर्म्स उसी तरह से ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। अच्छा आगे मज़ीद हमने सॉल्व करना है, चलें ये
हमारे पास जो है ए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसके स्क्वायर से, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस ए बाय टू इंटू एक्स इंटू, अगर इसका आप एलसीएम लेकर सॉल्व करें तो ये बनेगा ए नीचे आ जाएगा वन माइन ए माइन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस सी, और ये ए फिर इस ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन गया ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस एक्स बाय टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अगर आप राइट हैंड साइड देखें तो हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड ऊपर हम अपनी इक्वेशन की देखते हैं, ए स्क्वायर बाय टू साइन वर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस एक्स बाय टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, तो यही वो राइट हैंड साइड है, मतलब कि हमने लेफ्ट हैंड साइड ली उसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास राइट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया, यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया हमारा रिजल्ट। तो यही हमने प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 था, ए और बी दोनों पार्ट्स में प्रूव करना था, ठीक है, तो हमने इक्वेशंस को यहाँ पर प्रूव किया और लेक्चर का टाइम भी ओवर हो चुका है, यहाँ पर इस लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं।